दोस्तों, मेरा नाम है सुहेब अली। मेरा नाम है उमर सईद। भाई हम मौजूद हैं लियाकताबाद में और अल मोहसिन पकवान सेंटर पे। तो भाई वहाँ ये इनकी खासियत क्या है, उमर भाई बताएं। इनकी खासियत बिरयानी और कम रेट। कितनी कम रेट? भाई 200 रुपए किलो। क्या बात है। पुलाव भी और चिकन बिरयानी और पुलाव है भाई। आपको दिखाएंगे बड़ी गहराई के साथ इनका स्ट्रक्चर जो बिरयानी का है वो आपको दिखाएंगे। आप इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि भाई 200 रुपए में क्या आता है, तो हम आपको 200 रुपए में ये लोग सोच रहे होंगे भाई चिकन 550 रुपए किलो है तो ये बिरयानी कैसे। और इसलिए आपको करीब से दिखाएंगे कि आप लोग समझे कि भाई इसके अंदर कोई ऐसा गेम नहीं है, सब कुछ रियल है। तो भाई चले बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। बहुत अच्छा टेस्ट है, जबरदस्त है। कब कब आप इधर आते हैं? कब कब बहुत अच्छी, मतलब कितनी बार इधर आए? हम बार बार आते हैं, यानी कि डेली आते हैं। डेली आप इधर आते हैं। ये आपने कितनी ऑर्डर की? ये 3 पाव की थी। 3 पाव। अभी ये मैंने अभी ये थोड़ी थी, अभी अभी बैठा हूँ मैं यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत अच्छी है, ख़त्म कर दी जाऊँगा माशाल्लाह। भाई 3 पाव बिरयानी भाई ख़त्म करेंगे भाई। बहुत शुक्रिया यार आपका रिव्यू का। खैरियत से सर? आपने कितनी ऑर्डर की थी? 100 रुपए मतलब आधा किलो आपने ऑर्डर की थी, तो चिकन की थी है। जी। और कैसा लगा जाएगा आपको? जबरदस्त है। डेली इधर आते तो भाई गोश्त के हवाले से क्या कहेंगे? गरीबों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। तो भाई अगर कोई शख्स इकदाम उठाता है गरीबों के लिए, कोशिश करता है कि भाई हमारा जो गरीब हजरात जितने भी यहाँ पे कराची के अंदर या लियाकताबाद के जो है ना अराउंड मौजूद है, तो उनके लिए ये उन्होंने फैसिलिटी दी है कि भाई आपकी जहाँ बिरयानी लोगों को चिकन मिलती है 500, 600, 450 रुपये किलो जो प्राइस चल रही है, लेकिन यहाँ पे आपको अल मोहसिन पकवान सेंटर एंड बारबेक्यू पे आपको मिलेगी 200 पर केजी पे, और आधे किलो में आपका पेट फुल 2 हो जाएगा। तो भाई ये आप आए इंशाल्लाह, यहाँ विजिट करें। चले देखते हैं आगे। करते हैं यहाँ के ओनर से, और आपके दिल में या दिमाग में जो बातें चल रही हैं तो वो उसका सबका खुलासा जो है ना ये करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम भाई अयूब है, और मेरा मोबाइल नंबर, सबसे पहले मेरा मोबाइल नंबर 0300-232-2656। एड्रेस भी समझ लीजिए, लियाकताबाद में सुपर मार्केट, उसके सामने शेल का पेट्रोल पंप, उसी गली में बिल्कुल सीधे आ जाइए, गली ख़त्म होगी पकवान सेंटर नज़र आ जाएगा। अच्छा सर ये बताएं, सबसे पहले ये सवाल हमारा कि 200 रुपए किलो बिरयानी और मार्जिन क्या है आप लोगों का? नहीं, हमारा मार्जिन तो कुछ नहीं। देखिए हमने सोचा था यार अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहे। अच्छा। और कुछ लोगों की मतलब आजकल महंगाई इतनी, जिसको देखें हर चीज़ महंगी करता चला जा रहा है, तो हमने इस उसमें ये कदम उठाया हुआ 8.5 साल से। क्या अभी बात नहीं, 8.5 साल से बेच रहे हैं ताकि लोगों को हमारी वजह से फ़ायदा हो। मैं तो ये कहता हूँ भाई आओ आकर ट्राई करो, क्या चीज़ें क्या नहीं है, कच्चा गोश्त देखो, पक्का गोश्त देखो, हर चीज़ चेक करो, उसके बाद ले आओ। अच्छा सर ये चिकन के हवाले से बताएं कि आप लोग कहाँ से मंगवाते हैं? देखिए चिकन की दुकान इसी गली के अंदर सबसे पहली दुकान पड़ेगी, उस दुकान पे मेरी चिकन वहाँ से आती है। अच्छा। वहाँ जाके अभी आके मेरे अलावा आप जाके पूछ लो वो कौन से नाम से शॉप? शॉप का नाम है AMJ। AMJ के नाम से। और उस लाइन में सबसे पहली दुकान पड़ेगी। और सर बीफ के हवाले से हमारे बीफ देखें, एक इसी लाइन में आगे बीफ की दुकान है और एक सिंधी होटल पर है। अच्छा, दो जगह से आता है और बड़े पैमाने पर काम होता है उनका, वो छोटे मोटे नहीं है। अच्छा अच्छा, आपकी जो बिरयानी की मिसाल के तौर पे अगर बात करें तो हम जैसे आम दिन में आए थे काफ़ी रश था सर। हाँ। संडे के हवाले से तो अभी किसी का लंच टाइम शुरू ही नहीं हुआ। नहीं हुआ, अभी थोड़ी देर के बाद ये रश होता है, मतलब 1:30-2 बजे के बाद ना, 2 बजे के बाद लोग आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अच्छी खासी बिक चुकी है अभी भी। अच्छा, टुक टुक में भी। हाँ दो। देख फ्यूचर में क्या आप लोगों की बिरयानी के प्राइस बढ़ जाएंगे या ऐसी? नहीं देखिए अभी हमने तो ये 4 साल से तो यही रखे हुए हैं, अगर अल्लाह ताला ने और हिम्मत ताकत दी तो हम यही रखेंगे। अच्छा। कि हम तो चला लें, हमारा तो मकसद ये लोगों की खिदमत करना है और कुछ भी नहीं है। पेट्रोल तो 25 रुपये बढ़ गया है। हाँ। बिरयानी के रेट, बिरयानी के रेट हम नहीं बढ़ा रहे हैं अभी, नहीं बढ़ा वो इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं, हमने बोला जाने दें कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सबके साथ हैं। सर कितनी क्वांटिटी में देगे निकालते हैं? देखें देगे तकरीबन निकल जाती हैं, वैसे तो हमने गिनती नहीं करी हुई है, अभी हमने ये 6 पका लिए हैं। अच्छा। अभी इसके बाद 6 फिर पकाएंगे, फिर और ज़रूरत होगी पकाते रहते हैं। आपके पास इससे अलावा क्या स्पेशलिटी और क्या क्या है आप लोगों की, मतलब क्या आप लोग पकवान सेंटर में अपने? देखिए मेरे पास हर आइटम है, बारबेक्यू के स्पेशलिस्ट हैं,
और खाना तो आप कोई सा भी पकवा लें, बिरयानी कोई सी भी पकवा लें, मेरे पास एक से बढ़कर एक होगी। मिसाल के तौर पे ये देखें, बम्बई बिरयानी हमारी बहुत सुपर डुपर है, ठीक है, बम्बई बिरयानी है हमारी, और क्या कहते हैं ये कराची बिरयानी के नाम से बनाते हैं काउंटर पे हम। क्या बात है जी, इसका नाम रखा हमने कराची बिरयानी। लोग तो मसाले वाली पता नहीं क्या डबल सिंगल मसाला करते रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसका नाम हमने रखा है कराची बिरयानी, और ऑर्डर पे दे दें बम्बई बिरयानी। अब आपकी और कोई ख्वाहिश है बिरयानी की वो हम बना देंगे, बम्बई हो गई, सिंधी हो गई, हैदराबादी हो गई, जो भी कहेंगे वो बना दूंगा। वाइट बिरयानी आजकल चल रही है, पुलाव बहुत हमारा चलता है। क्या बात है भाई, जी। अच्छा सर, ये अभी ये बताएं मुझे कि अगर एक किलो की मतलब एक डेग 10 किलो की है, 12 किलो की है, तो अगर कोई कहे कि भाई कोई तकरीब है हमारी, जी जी, तो क्या उसको इसी रेट पे देते हैं या कुछ? नहीं देखें, उसके लिए अलग तरीके का होता है, उसके अंदर गोश्त की क्वांटिटी और बॉडी का साइज बढ़ जाता है, बढ़ जाता है जी हाँ। वो 10 किलो चावल में 10 किलो गोश्त डलता है। अच्छा, उसकी कीमत हो जाती है 13,000 रुपये। अच्छा सर, 13,000 रुपये की चिकन की बिरयानी, तकरीबन 70 लोग बिरयानी खाएंगे वो, तो आपको तो 125 या 180 रुपये की पड़ गई। हाँ, एक तकरीबन कहाँ मिलता है ऐसा खाना? बिल्कुल ऐसा ही। और कोई भी शिकायत हो पैसे नहीं दीजिएगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कोई लेगा नहीं, थोड़े पैसे दे के आप ले जाएँ, ट्राई करें उसके बाद। सर, ये हमने और वीडियोस भी आपकी यूट्यूब पे देखी है, तो हम कमेंट सुन के रन करके आए हैं, क्योंकि हम खुद परेशान थे कि 200 रुपये किलो में कोई कैसे चिकन और बीफ की बिरयानी दे सकता है। 600 रुपये किलो का, 600 रुपये कम पे रेट कम माइनस के ऊपर आप बेच रहे हैं। तो सर ये बताएं, जो नीचे कमेंट हम पढ़ के आए, कौवा बिरयानी है या गधे गोश्त है, मतलब एक्सेट्रा बहुत सी ऐसी बातें हम पढ़ गए हैं, उसके हवाले से हमारे व्यूअर्स का जो है ना माइंड जो है ना वो आप अभी देखें जनाब, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक साहब को और इंटरव्यू दिया था, मैंने कहा था आप लोग ना सब मिलके मेहनत करके एक कौवा पकड़ के दिखा दें, मैं मान जाऊंगा 50 कौवे पीछे लग जाएंगे उसके। और रह गई गधे की बात, गधा ना गधा महंगा है, गधा बछिया से बहुत महंगा है, आप महंगा है। आप जिंदगी भर खरीद नहीं सकते, तो मुझे कहाँ से मिलेगा गधा। और देखें, ये कमेंट्स वो लोग करते हैं जो खाते हैं ये वाले गोश्त, हर किसी को नहीं पता होता ना, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता ये कौवा और ये गधा क्या होता है, जो खाते हैं उनको पता है, वही उनको अड्डे भी बताऊंगा। मैंने तो कहा कि लोग मुझे बताएं किधर है, ताकि उसको हम उठवाएं तो सही, बिल्कुल बिल्कुल सही बंद करवाएं उसको, तो यार ये जो हराम चीज़ है जिसको शरई तौर पे मना है, तो वो चीज़ें क्यों बिक रही हैं, कहाँ बिक रही हैं, वो अड्डे बताएं हमें वो लोग आकर। तो मतलब अगर जिन्हें एड्रेस पता है वो आपसे रब्ता करें? हाँ, मुझसे रब्ता करें, ताकि हम आगे बढ़े ना भाई, ये चीज़ें रोकी जाएँ, रोकी जाए। जी जी, अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ये थी कुछ सवालात होते हैं जो हम वीडियोस जब बनाते हैं तो हमसे भी पूछे जाते हैं सवालात, कि यार आप जब जा रहे हैं तो क्या आपने अच्छी तरह जो है ना इन्वेस्टिगेशन की या कुछ? बिल्कुल, आपकी जिम्मेदारी, आप किसी को क्या कहते हैं उसकी वीडियो बना रहे हैं, उसको इतनी तारीफें कर रहे हैं, तो आप उसका बैकग्राउंड देखा है क्या नहीं, ये ज़रूर पूछना चाहिए आपको हर हाल में, ताकि लोगों को पता लगे। क्या आप ऐसा करें, किसी दिन सुबह के टाइम आए, मैं फुल रेसिपी भी बताऊँगा आपको, सारा गोश्त एक एक चीज़ डालते हुए दिखाऊंगा कि ये डल्ला है, ये है। सर ये तो हमारी ख्वाहिश है, हम आएंगे इंशाल्लाह, किसी दिन आप मेरे पास जल्दी आएँ, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा कच्ची। क्या बात है सर, बहुत बहुत भाई, मुझे तो ये बताए लोग ना आम दिनों में खरीद के खा नहीं सकते, वो चीज़ें डाल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहे हैं, वरना मेरे जी बहुत मुश्किल काम है खरीद, हर चीज़ तो इतनी महंगी है। अब मैं दे रहा हूँ 1,000 रुपये की 5 किलो बिरयानी काउंटर की, तो ये घर में ज़रा आप ट्राई करके देख लें, कभी ज़िंदगी में नहीं पकेगी, सिर्फ अगर आप 5 किलो बिरयानी में 1 किलो गोश्त लाएंगे ना, उसी में आपके पैसे पूरे हो जाएंगे 1,000 रुपये। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तो 20 आइटम बाकी है, 20 आइटम बाकी है, 20 आइटम सबसे मेन चावल है, खड़े मसाले मार देते हैं जी हाँ, सबसे पहले आएगा चावल, उसके बाद है तेल, फिर गर्म मसाले हैं, फिर हरे मसाले हैं, दुनिया की चीज़ें भी बनाने का फन भी है, घर पे भी पकती बिरयानी, लेकिन वो पता नहीं क्या बनता है। तो बावर्ची नहीं होता है और खर्चा हो जाता है, खर्चा बहुत ज़्यादा, कम से कम 5 किलो बिरयानी घर पे पकाने बैठेंगे 100 रुपये गए सर, 2,000 रुपये तो पक्के जाएंगे आपके, मैं 1,000 रुपये में दे रहा हूँ, तो यार मुझ पर गलत कमेंट्स नहीं करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर कोई आपको अच्छी चीज़ दे रहा है तो खामोशी से खाएँ और दुआएँ दें, उसको भी दुआएँ दें और अपने हक में भी करें, कि यार हमें तो याद है कि अल्लाह ताला ने इतनी सस्ती बिरयानी दिलवा दी। तो यार व्यूअर्स, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, दरअसल बात ऐसी, अगर कोई इकदाम उठाता है और कोई कोशिश करता है कि भाई
हर तबके का बंदा खाए, चाहे गरीब हो या अमीर हो, इक्वालिटी है कि मिसाल के तौर पे अभी ये 200 रुपए किलो में रन कर रहे हैं। तो भाई आप लोगों के जितने सवाल थे उसके जवाब इन्होंने माशाल्लाह बखूबी दिए हैं, और भाई हम कोशिश करेंगे कि हम आपको और क्लियरली दिखाएं। तो भाई रेसिपी भी हम इंशाल्लाह इनके आपको दिखाएंगे, शायद वो हमारी नेक्स्ट वीडियो, और ये वीडियो है हमारी, बने रही हमारे साथ।